मैं तो जब लोकसभा में भाषण किया एक कश्मीर विषय पे मैंने कहा कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को जाने दीजिए कि सारे लोग मतलब विपक्ष की सिर्फ नहीं भाजपा के भी लोग भी आ जाए और हमारे सांसद देख सकें कि कश्मीर में क्या हाल है लोगों से मिले और हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे अगर ये सब बात सही है तो नेचुरली यही चाहिए हमको कश्मीर तो नॉर्मली रहना चाहिए ये, हम, ये हमारा प्रार्थना है लेकिन आपको पता है कि मेरे ख्याल में यूरोपियन एम पीज मतलब मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट वहाँ ले गए सरकार ने लेकिन अब तक कोई एम पी को जाने का मौका नहीं दिया या जो गए हैं वो तो परमिशन लेते हुए कोर्ट पे जाके हुए और कभी उनको बॉन्ड भी साइन करना पड़ा हम राजनीतिक काम नहीं करेंगे वहाँ तो इस किस्म के सिस्टम मेरे ख्याल में अगर स्टेट नॉर्मल है तो ये नॉर्मल डिसीशन नहीं है सरकार के तो हम चाहते हैं कि अगर बात ऐसे है जैसे उसने बताया राज्यसभा को कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को आने दीजिए क्योंकि हमारे सांसद हैं उनके प्रदेश के जो विषय पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और वो खुद नहीं आ सकता है उसके बारे में बोलने के लिए उसके बारे में बहस करने के लिए इसका मतलब है कि कुछ ठीक नहीं है ना तो इसलिए हम चाहते हैं कि नॉर्मल सी जो अगर अमित शाह साहब ने ये कहा मैं तो राज्यसभा का अंग नहीं हूँ मैं ये भाषण नहीं सुन सका लेकिन अगर उसने ये कहा कि सब नॉर्मल है तो हम खुश होंगे लेकिन हमें भी बहुत अच्छी बात है तब तो एक और लाइन ऐड एक और लफ्ज़ को ज़रा ऐड करना चाहिए मान को भी मैं भी मान लेता हूँ कि कोई रेफ्यूजी हमारे कोई पड़ोसी देश से आए तो हमारी एक मॉरल जिम्मेदारी है उनको मदद करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने जो डेढ़ सौ साल पहले कहा था शिकागो में 1893 के भाषण में से कहा कि वी हैव गिवन शेल्टर टू दर्सिक्यूट ऑफ ऑल्ड रेसिस ये है हमारी मतलब हम गर्व करते हैं कि हमारे देश में हर किस्म के लोग आके सुरक्षित रहें तो जब कोई धर्म या कोई मज़हब के लोगों का कि समुदाय के नाम लिखा हुआ है बिल में तो नेचुरली मन में ये प्रश्न आता है कि अगर आप मज़हब के अतीत है ये आप उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं इस विषय पे, तब तो या सारे नाम को काटें कि कोई भी क्वालिफाई करें उनको हम सिटीज़नशिप दे सकते हैं या आप मुसलमान का नाम भी उसमें ऐड कीजिए कि सब लोग एक साथ जिनको हक है इस देश में रहने के लिए कि उनका बिना उनका मजहब देख के आप उनको सिटीजनशिप दे दीजिए